हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ रैंक पुशिंग ट्रिक्स का पार्ट टू, और ये वाली सभी ट्रिक्स को भी आप इजीली सोलो में यूज़ कर सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने इसका पार्ट वन बनाया था, वहाँ पे अपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया था और वहाँ पर बहुत सारे बंदे कमेंट करके भी बोल रहे थे कि इसका पार्ट टू बनाओ। तो लो फिर आज हाजिर है पार्ट टू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर वन से। इसको करने के लिए आपको ना शिपयार्ड में यहाँ पर आपको इस तरीके से बाइक को सेट करना है जैसे मैंने पर सेट किया है। फिर आपको सिंपली बाइक को तोड़ देना है, और ये वाले ट्रिक शायद ही आपने कभी देखी होगी। कमेंट में ज़रूर बताना अगर किसी बंदे ने ये ट्रिक पहले देखी है। बाइक को जलाने के बाद आप इसलिए यहाँ पे इस तरह से कोने में बैठ सकते हो, यहाँ पर कैंप वगैरह कर सकते हो, अपने रैंक को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और अगर इस विंडो से बंदा आता है आप इस विंडो के पास जा सकते हो, और इस विंडो से आता है तो उस विंडो के पास जा सकते हो। बाकी बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता, यहाँ पर एनिमी कितना भी ट्राई कर ले बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। मैं यहाँ पर बाहर इजीली निकल गया, मैं आपको बाहर से अच्छे से यहाँ पर दिखाई देता हूँ। अब यहाँ पर कितना भी ट्राई कर ले, मतलब कितना भी यहाँ पर टाइम वेस्ट कर ले, कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आ पाएगा। कोई ट्रिक ही नहीं है इसके लिए जिससे आप अंदर आ पाओगे। तो यहाँ पर अच्छे से देख लो। 2000 years later तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं यहाँ पर पिछले 2000 सालों से ट्राई कर रहा हूँ अंदर जाने का, बट मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा। और यहाँ पर विंडो तो आपको पता होगा, विंडो से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया था, अंदर इस तरीके से आ सकते, बट इस तरीके से भी अंदर कोई भी नहीं आ सकता। देख लो गाइस, यहाँ पर कोई भी इस तरीके से अंदर नहीं आ सकता। और अगर इस तरीके से एनिमी आता है फिर आपको कोइन में चिपक के बैठना है, नहीं तो एनिमी आपको यहाँ पर किल कर सकता है। चलते हैं ट्रिक नंबर टू की ओर। ट्रिक नंबर टू को करने के लिए आपको आना है पर्गेटरी मैप में, यहाँ पर एम्प्टी विला के पास। और यहाँ पर आप अच्छे से लोकेशन भी देख सकते हो आपको कहाँ पर आना है। और मैं आपको मैप पे भी अच्छे से लोकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, पर्गेटरी हम ज़्यादातर नहीं खेलते। तो यहाँ पर आपको आना है इस तरीके से, मैं आपको मैप पे भी लोकेशन अच्छे से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो आपको होल सा दिख रहा है, गड्ढा सा दिख रहा है, आपको इसी में जाना है, फिर इस तरीके से यहाँ पर बैठना है। और भी आप अगर यहाँ पर इस तरीके से बैठते हो फिर आपको यहाँ पर कोई भी नहीं देख पाएगा, ना ही कोई किल कर पाएगा। आप इजीली यहाँ पर बैठकर अपनी रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और बाहर से आपको कोई भी किसी भी साइड से इजीली नहीं देख सकता, मतलब बिल्कुल देख ही नहीं सकता। और यहाँ पर जब आपको बाहर निकलना, आपको सेंटर में जंप करना इस तरीके से ऊपर की ओर, फिर आप इजीली बाहर निकल पाओगे। और राइट लेफ्ट में रह के इधर उधर जंप मत करना, नहीं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आपको लगेगा जैसे कि मैं फंस गया। बट आपको सेंटर में जंप करना है, फिर आप इजीली बाहर इस तरीके से निकल जाओगे। चलते हैं ट्रिक नंबर थ्री की ओर। इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपको आना है यहाँ पर फैक्ट्री में, और आपको चाहिए एक बाइक। आपको बाइक को इस तरीके से कंटेनर के अंदर ले जाना है, और बाइक को अंदर ले जाने के बाद अभी आपको बाइक को इस तरीके से पीछे की ओर लाना है, फिर यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है। और उसके बाद सिंपली टैप करना है गेट आउट बटन पे, फिर आप आ जाओगे इस कंटेनर के अंदर। और अभी आप इजीली यहाँ पर बैठकर कैंप वगैरह कर सकते हो, अपनी रैंक को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और अंदर बैठ के आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाहर बैठे एनिमी पे फायर नहीं करना है। अगर बाहर गाड़ी भी है उस पर भी फायर नहीं करना है। अगर आपने फायर किया तो बिना टिकट के ऊपर चले जाओगे, मतलब सीधा ऊपर। बट आप ग्रेनेड्स का यूज़ कर सकते हो इजीली एनिमी को किल करने के लिए। और आप चाहो तो हिस्ट्री को यहाँ पर हैंगर में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरीके से बाइक को ऊपर ले जाना है, फिर इस तरीके से बाइक को सेट करना है जैसे हमने वहाँ पर किया था। और इस तरीके से बाइक को सेट करने के बाद सिंपली टैप करना है गेट आउट बटन पे, फिर आप आ जाओगे इस तरीके से कंटेनर के अंदर। और यहाँ पर भी आप इजीली हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ यहीं पर नहीं, और भी बहुत सारी जगह है, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर बोलजे में भी इसी तरीके से आप हिस्ट्री को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी इजीली कैंप वगैरह कर सकते हो। और आप हिस्ट्री को कहीं पर भी करो, सभी जगह पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाहर बैठे एनिमी पे फायर नहीं करना है, ना ही बाहर बैठी गाड़ी पे फायर करना है। और ग्रेनेड का आप इजीली यूज़ कर सकते हो, उसे इजीली एनिमी को किल कर सकते हो। और यहाँ पर आप चाहो तो शिपयार्ड में भी इस तरह की हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। तो यही थी कुछ जगह जहाँ पर आप हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हो अपनी रैंक वगैरह को पुश करने के लिए। बस आपको एक बाइक चाहिए और आप हिस्ट्री को सोलो में ईजिली यूज़ कर सकते हो। और सभी जगह पर जो है आप इजीली इस तरह से बाहर भी निकल सकते हो, आपको सिंपली जंप करना है, फिर आप ईजिली बाहर निकल जाओगे। चलते हैं ट्रिक नंबर कितने की और मुझे नहीं पता, चलो जो भी है। तो यहाँ पर आपको आना है समुराई गार्डन में, यहाँ पे आपको इस तरह से पहले एक गुलाल सेट करना है, और एक गुलाल सेट करने के बाद आपको दूसरा गुलाल इस वाले गुलाल के ऊपर इस तरह से सेट करना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर तीन गुलाल सेट करने हैं नीचे से ही, जैसे मैंने यहाँ पर सेट किए। और उसके बाद आपको जाना है पहले तो हाउस के ऊपर, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले चढ़ जाते हैं ऊपर। सीढ़ी कहाँ गई? सीढ़ी नहीं दिख रही। तो ऊपर जाने के बाद आपको पहले चढ़ना है इस पे, और इस पे चढ़ने के बाद आपको चढ़ना है गुलाल के ऊपर, और आगे आपको और दो गुलाल सेट करने हैं जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको गुलाल के एड पे आना है, गुलाल के कॉर्नर पे आना है, फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक और गुलाल सेट करना है। और गुलाल को थोड़ा सा ध्यान से सेट करना ताकि आप उस पर आराम से चढ़ पाओ, नहीं तो ज़्यादा ऊपर कर दोगे फिर आप उस पर नहीं चढ़ पाओगे। तो इस तरीके से एक गुलाल सेट करने के बाद आपको दूसरा गुलाल इस वाले गुलाल के ऊपर इस तरीके से सेट करना है, फिर आपको चढ़ना है गुलाल के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले चीज़ पे जंप करना है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हैं आपको इस तरीके से जंप करना है यहाँ पर, फिर आप आ जाओगे इसके ऊपर।
और अगर आपको ऊपर कैंप वगैरह करना है फिर आप यहाँ पर इस तरह से पिन ऑन करके बैठना है। यहाँ पे आपको सामने से जो है अच्छे से कवर मिल जाएगा पेड़ का, राइट से भी कवर मिल जाएगा पेड़ का और लेफ्ट से भी अच्छे से कवर मिल जाएगा। और अगर नीचे से एनिमी आता भी आपको यहाँ पर चुपचाप बैठना है, फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। और नीचे जंप करने पर आपको यहाँ पे 70 का डैमेज पड़ेगा, तो आपका अपना हेल्थ 70 से ज़्यादा ही रखना है, फिर ही आपको यहाँ पर जंप करना है। तो चलिए चलते अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर। इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपको आना है हैंगर के इस लॉन्च पैड के पास, और यहाँ पर जो एक बंदा भी आ चुका था, तो चलिए छोड़ते हैं इसको, हम अपनी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्च पैड को कैसे सेट करना है आप अच्छे से देख लो, ये थोड़ा सा हार्ड ट्रिक है, आपको अच्छे से देखना होगा मैंने लॉन्च पैड को कैसे सेट किया है, तभी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप पे लेफ्ट में भी अच्छे से देख सकते हो कैसे हमें लॉन्च पैड को सेट करना है, इस तरीके से आपको लॉन्च पैड सेट करना है। बाकी मैं आपको जूम करके भी अच्छे से दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से लॉन्च पैड को सेट करने के बाद आपको सिंपली टैप करना है लॉन्च बटन पे, फिर आप आ जाओगे इस तरीके से इस पोस्टर के ऊपर। और इसी तरीके से आप इस पोस्टर के ऊपर आ सकते हो, आपके पास गन वगैरह भी रहेगा, आप इजीली यहाँ पर एनिमीज को भी किल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से पिन ऑन करके भी बैठ सकते हो, यहाँ पर कैंप वगैरह कर सकते हो। तो अगर आपको कैंप वगैरह करना है फिर आप सेंटर में इस तरीके से पिन ऑन करके बैठना है, फिर आपको किसी भी साइड से कोई भी नहीं देख पाएगा, ना आपको किसी साइड से कोई किल कर पाएगा। बाकी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे एनिमी देख पाएगा, आप बिल्कुल सही हो, एनिमी आपको देख पाएगा बट आपको डैमेज बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। यहाँ पर जो इनविजिबल वॉल रहता है वो आपका डैमेज बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। और नीचे जंप करने पर आपका जो है पूरा जान निकाल दिया जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ेगा आपको, 190 का डैमेज पड़ेगा। तो 190 से ज़्यादा हेल्थ रखना है तभी यहाँ से जंप करना है, तो अगर 190 से कम हेल्थ रहा फिर आपको यहाँ पर जंप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं आज की बोनस ट्रिक की, और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपका आना है बरमुडा मैप में, यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी के पास। और ये वाली ट्रिक आपकी सिर्फ बरमुडा में ही वर्क करेगी, बरमुडा रिमास्टर में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दो ग्लोवल सेट करने हैं, जैसे मैं यहाँ पर ग्लोवल सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है आपको चाहिए केली, अगर आपके पास केली नहीं है, क्रोनो है, आलोक है, कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास केली या क्रोनो या आलोक नहीं है फिर आप यहाँ पर इस ट्रिक को यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको यहाँ पर 3 ग्लोवल सेट करने पड़ेंगे। और हो सकता है आप सिर्फ 2 ग्लोवल में भी इस ट्रिक को कर पाओ, बट फिर जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आना है फिर इस साइड में, यहाँ से इस तरीके से नीचे चले जाना है। और नीचे आने के बाद आपको इस वाले साइड में जाना है, यहाँ से जहाँ से मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको पूरा पीछे बैठना है, फिर ही यहाँ पे जंप करना है, जितना आपसे हो पाए उतना पीछे बैठना है, फिर ही यहाँ पे जंप करना है। अगर आप थोड़ा सा आगे रह के जंप करोगे तो आप यहाँ पर नीचे गिर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर इजिली कैंप वगैरह कर सकते हो, अपने रैंक को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। नीचे से अगर एनिमी आता भी है वो आपके यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा, आप इजिली यहाँ पर बैठकर अपने रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो। नीचे जंप करने पर आपको कितना डैमेज पड़ेगा आप अच्छे से देख ही सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आज ज़रूर बता देना, और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी से जल्दी आ रहा है, आप कमेंट में बताना कितना जल्दी आपको चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर, गुड बाय।